सौरभ और अंजलि की गड्डी आ गई है एशविल में चाय पानी के ढाबे पे। लाइन काफी लंबी है इसीलिए हम लोगों ने कर दी है बुकिंग और हम कर रहे हैं वेट अपने टर्न का। बहुत सुना है इस रेस्टोरेंट के बारे में, सुना है कि इसे अवार्ड भी मिला है, तो हम लोगों ने स्पेशली ऑफ द रूट जाके, ये हमारे रोड ट्रिप में नहीं थी लेकिन हम लोगों ने ऑफ द रूट जाकर इस वाले रेस्टोरेंट के लिए वेटिंग किया है 90 मिनट्स, और अभी हम बस कुछ ही देर में अंदर जाने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ की चाट खाने को लेके, क्योंकि जब से हम लोग इंडिया से आए हैं तब से हमने एक भी बार अच्छी चाट नहीं खाई है। तो लेवल बिल्कुल भी नहीं है, जो नेटिव लोग भी खा सकते हैं, बट स्टिल इसमें सब कुछ है। इसमें क्रिस्पी के लिए पपड़ी है, हरे हरे की चटनी, मीठी चटनी, इवन जो नमकीन भी उन्होंने डाला है उसमें भी बिल्कुल स्पाइस नहीं है, लेकिन फिर भी सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, बहुत रिफ्रेशिंग फ्लेवर्स हैं। नेक्स्ट आइटम है, हमने ट्राई किया है यहाँ का बहुत मोस्ट फेमस नेक्स्ट फेमस मैच स्टिक ओकरा फ्राइज। ये बहुत ही ऑयली है मुझे पर्सनली लगा, और इसमें नमक नहीं है। ओवरऑल आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं पता कि ये क्यों फेमस है, पर इसका टेस्ट इज नॉट दैट गुड। इंडियन स्टाइल बर्गर, हम सबका फेवरेट वड़ा पाव, ग्रीन चिली। ये हमारा फोर्थ ऑर्डर है वड़ा पाव। इसमें एक्चुअली स्पाइस लेवल अच्छा है, थोड़ा स्वीट चटनी ज़्यादा लगी मुझे, अदरवाइज ओवरऑल इट्स वेरी टेस्टी एंड फुलफिलिंग। मतलब वन प्लेट में टू वड़ा पाव इज योर लंच। सो ये थी हमारी पेट पूजा की जर्नी एट चाय पानी एशविल। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फूड प्रेजेंटेशन वाइज ओके था, कुछ अलग एक्सेप्शनल नहीं था अगर आप इंडियन हैं और आपने इंडियन फूड बहुत ट्राई किया है तो, बट टेस्ट वाइज गुड था। आई थिंक आउट ऑफ 5 मैं 3 रेट करूँगी। सर्विस वॉज वेरी गुड, वेटिंग टाइम वॉज वेरी बैड, ऑलमोस्ट 1 आवर वी वेटेड, और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू वहाँ का जो बोर्ड था उसके अकॉर्डिंग तो इट्स वेटिंग टाइम इज लाइक 1+ आवर्स। वर्थ गिविंग 1 टाइम शॉट, और अगर आप भेलपुरी मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यस। अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ पसंद आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।